अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और सभी प्यारे प्यारे भाइयों का, सभी का इस YouTube चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों और मेरी प्यारी प्यारी माता बहनों, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और उसी प्यार के खातिर आप लोगों की डिमांड से मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका पार्टनर या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका, पति या पत्नी, अगर आपको छोड़कर किसी दूसरे से अफेयर हो गया है या आपकी बात नहीं सुनता या आप चाहते हो कि वो जिसके अफेयर में है, चाहे वो आपका पति हो, प्रेमी प्रेमिका, कोई भी कि जिसकी अफेयर में फंस गया है, वो उससे हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए और मेरे करीब आ जाए। क्या होता है कि अक्सर देखा गया, जब किसी पति का ताल्लुकात किसी दूसरी पराई स्त्री से हो जाता है तो वो अपनी पत्नी को तवज्जो देना कम कर देता है, उससे कम बात करना या लड़ना झगड़ना, उसको मारपीट करना। ऐसी स्थिति में इस उपाय को करके आप अपने पति को उस औरत से, पराई स्त्री से अलग कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए और अपने करीब कर सकते हैं। तो वो आपसे फिर आपकी बात भी मानेगा, वो उस लड़की से दूर हो जाएगा इस उपाय को करके और वो आपके करीब आ जाएगा, तो आपकी बात भी सुनेगा, कहना भी मानेगा। अब इस स्थिति में चाहे वो आपका प्रेमी हो या फिर प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो जिसको आप एक दूसरे से अलग करना चाहते हो और आप अपने प्रेमी जैसे, कोई प्रेमी भी दूर हो गया इसी तरीके से पति की तरह और वो दूसरी लड़की से बात कर रहा है, तो वो उसकी जो पुराने प्रेमिका है अपने प्रेमी को दूर, उससे एक दूसरे से दूर कर सकती है और अपने करीब कर सकती है। अब चाहे उसमें कोई लड़की, प्रेमी प्रेमिका कोई भी हो, तो सबसे पहले आपको एक लाल धागा इसमें ज़रूरी लेना है, एक पेन पेंसिल कुछ भी और एक कागज़। अब आपको करना क्या है, बहुत आसान उपाय है, खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, घर पर बैठकर आराम से उपाय को करें। और एक बार हार नहीं माननी है, एक बार नहीं हुआ ये नहीं करना, अगर एक बार में इसका रिजल्ट आपको मिल गया तो एक दिन करना है, दूसरे दिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो दूसरे दिन दोबारा कर लेना है, फिर आपको तीसरे दिन का इंतजार करना है, अगर तीसरे दिन में नहीं मिला तो तीसरे दिन शाम को जैसे भी टाइम मिले फिर तीसरे दिन ही आपको इसको करना है। मैं आपको दावा करता हूँ पहले दूसरे नहीं, अगर नहीं मिला, हो सकता है तो कोशिश तो यही रहेगी कि आपको ये जरूरी है कि ये आपको जल्द ही रेस्पॉन्स मिलेगा सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर, अगर नहीं मिलता दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, 100% तीसरी बार में तो मिलना ही मिलना है। तो देखिए करते कैसे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से एक स्टार बना लेना है, इस तरीके से यहाँ पर एक स्टार बना लेना है और जिस स्टार के अंदर आपको इस तरीके से एक बॉक्स इस तरीके से बना लेना है, ये आपको बनाना है इस तरीके से। अब यहां पर आपको ध्यान से देखिए, ये हो गया इसका पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो छोर हो, जिसको हम छोर कहते हैं, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब उसके बाद यहां पर सारे जो कोने हैं इस तरीके से कोने हैं, कोनों पर आपको इस तरीके से चारों कोनों पर ये हो गया इसका पहला कोना, ये इस तरीके से, ये हो गया इसका दूसरा कोना, ये हो गया इसका तीसरा कोना और ये हो गया चौथा कोना, इस तरीके से। यहां आप 3 लिखिए, यहां 4, इस तरीके से। और अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको उसका नाम लिखना है जिसको आप अलग करना चाहते हो, यह नाम लिखना है, जैसे उसका नाम है, जैसे जो पराई स्त्री, जैसे आपके पति माँ पति, अगर स्त्री आई है आपके पति को, जो पराई स्त्री उसको दूर करना है तो उसका नाम यहाँ पे लिखना, अगर कोई लड़का है जो आपकी पत्नी को जिसको हटाना है तो सबसे पहले उस लड़के का नाम, जैसे पराई स्त्री आई है तो उसका नाम है मेघा, तो यहाँ मेघा आपको लिखना है इस तरीके से। अब मेघा की हर किसी को माँ का नाम मालूम नहीं होता तो इस वजह से आपको खाली माँ इस तरीके से लिख देना है, ठीक है, अगर माँ का नाम मालूम है तो बेहतर है,
यहाँ पर आपको मालिक देना है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको करना क्या है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक बॉक्स इस तरीके से बना देना है। अब एक बॉक्स आपको इस तरीके से यहाँ बना देना है। इस बॉक्स के चार कोने होंगे, हर चार इस तरीके से चार। अब जब आपके चार कोने हो जाएंगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर ये पहला कोना था, तो यहाँ इधर पहला आएगा। अब ये दूसरे उसमें आ जाइए, ये दूसरे कॉलम में यहाँ इस तरीके से दो आएगा। तीसरे कॉलम में तो यहाँ है, तो यहाँ तीन, यहाँ चार दूसरे कॉलम में, तो ये दूसरे छोर पर है, तो इस तरीके से आपको ये नक्श बना देना है। बनाने के बाद बस इतना ही नक्श आपको रहने देना है, क्योंकि हमें इनको अलग करना है इस तरीके से। ये जो है ये जुड़े हुए हैं लगभग, और ये बनाना नहीं आपको, सिर्फ ये मैंने बना करके दिखाए जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ मैंने अलग करा है, क्योंकि हमें दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। बस यहाँ पर उस लड़की का नाम जिसको अलग करना है, जैसे ये मेघा लिख दिया, अब जो जिस लड़के से अलग करना है, जैसे पति आपका, तो उसका नाम है विकास, तो यहाँ आपको विकास लिख लेना है प्लस माँ का नाम इस तरीके से। अगर माँ का नाम नहीं तो खाली माँ। अब आपको एक स्वास्तिक का निशान बना लेना है इस तरीके से, अच्छे से आपको बनाना है। ये मैं जल्दी की तरह जल्दी बना रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से बनाना है। नीचे जिसको, अब मेघा विकास को एक दूसरे से, मेघा और विकास को एक दूसरे से अलग करना है, जो उसकी पत्नी कर रही है। वो चाह रही है कि विकास मेघा से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए, क्योंकि वो पराई स्त्री है, और विकास मेरे करीब आ जाए हमेशा के लिए, क्योंकि वो विकास की पत्नी है, उसका नाम है आकांक्षा। आकांक्षा ये प्लस माँ का नाम इस तरीके से लिख देना है। बस इतना आपको करना है। इतना करने के बाद फोल्ड करो, इस पर लाल धागा अच्छे से लपेट कर इस तरीके से, मतलब चारों तरफ से लाल धागे को लपेटना इस तरीके से, लपेट दो अच्छे तरीके से, और इसको तकिए के नीचे रख दो। बस इतना आपको करना है। सुबह आप उठकर देखोगे, सिर्फ एक दिन में आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। दूसरे दिन करिए, नहीं मिले तो फिर तीसरे दिन करिए, तीसरे दिन में ज़रूर मिलेगा। तो इस उपाय को करिए और इसमें कामयाबी हासिल करिए। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। यदि आपको इसमें कहीं भी कुछ पूछना हो, कुछ समस्या आ रही हो, कुछ चूक लगे या कुछ नहीं समझ आ रहा हो, तो दिए हुए नंबर पर सब समझ सकते हो आप फ्री, सिर्फ निःशुल्क। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।